हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी ब्लॉगर आद्विक मॉम। कैसे हो आप सब? आप सब आई होप अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। तो मैंने सोचा चलो आज इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं डेली डेली आपको मेरे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मैं बना रही हूँ शाही पनीर। मेरे पास अभी खड़े मसाले तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो शाही पनीर का जो पैकेट वाला मसाला होता है वो है मेरे पास। तो बस मैंने कढ़ाई रख दी है, तो चलिए बनाते हैं। और प्याज भी मैंने कट कर लिया है, तो प्लीज बने रहिए आप मेरे साथ और एंजॉय कीजिए मेरे इस ब्लॉग को। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। आपका सपोर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो प्लीज बने रहिए। तो ये प्याज जो है हमारा कट हो चुका है, और ये दो टमाटर कट करूंगी मैं, ज्यादा नहीं डालूंगी, बस हमें दो लोगों के लिए बनाना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये रहा नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, मतलब ये पक चुका है, तो बस अब हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी। हल्दी थोड़ी ना तीखी हो गई थी, मतलब ज़्यादा हो गई थी, और साथ में मैंने डाला शाही पनीर का मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें मिलाएंगे ग्राइंड किया हुआ अपना जो भी हमारा मसाला है, शाही पनीर का जो ग्रेवी हमने बनाई है वो डालेंगे इसमें। और ये ग्रेवी मतलब मसाला जो है ना थोड़ा सा जल चुका है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। तो ये रही हमारी ग्रेवी जो है ना तैयार हो चुकी है, और इसमें मैंने जो काजू डाले थे ना वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए, वो एज इट इज़ ही रह गए थे, जैसे थे वैसे के वैसे ही, तो नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और पनीर तो इसमें डाला है, पनीर पनीर हमारा। और ये देखिए हमारा शाही पनीर बन रहा है, मसाला रेडी हो चुका है, बस इसमें ऐड करना है अब पनीर। पर अभी थोड़ा लाइट का वेट कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है। और ये रहा पनीर, पनीर को मैंने पीसेस में कट कर लिया है, और अब हम इसको ऐड करेंगे ग्रेवी में और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन के बना है हमारा शाही पनीर का मसाला। और साथ में मैं लाइट चली गई थी तो चपाती भी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक लाइट आती है तब तक चपाती बना लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट भी आ गई और चपाती भी बन गई मेरी। तो यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी फ्रेश मलाई, घर की जो मलाई होती है ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रहा हमारा शाही पनीर। गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है अब हमारी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, और मैं बना रही हूँ सब्जी। साथ में मैंने रखी है कॉफी बनाने के लिए, तो चलिए बना लेते हैं। मैं बीन्स की सब्जी बना रही हूँ। टमाटर लेना एक चीज से, क्या बना रहे हैं आप? कौन सी रेसिपी है आपकी, बताओ जरा, कौन सी रेसिपी है? मेरे पति जो है ना थोड़ा शर्माते हैं, शर्म आती है इनको बात करती बार, ऐसा है।
कैसे बना था साई पनीर? बताओ साई पनीर कैसे बना था? तो यहाँ पे ये रही हमारी सब्जी ब्रेकफास्ट के लिए भी और लंच के लिए भी। तो सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, बाकी काम हमने कर लिए, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे अब हमने भगवान जी को याद कर लिया है। तो बस अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से, एक दूध का गिलास, दो चपाती और शाम की सब्जी रह गई थी थोड़ी सी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना किचन। ये रहा मेरा किचन ऑफिस जाने से पहले। ये कढ़ाई है, कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी रह गई है जो मुझे लंच में खानी है, तो मैं गर्म करनी है उस मतलब मुझे लंच में इसको गर्म करना है फिर खाना है, तो मैं इसको कढ़ाई में ही रहने देती हूँ। और ये देखिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं निकलूँ तो सब नीट एंड क्लीन हो। सीरी मेरी पानी की बॉटल, तो बस अब हम जाएंगे, मैं सिर्फ पानी की बॉटल लेके जाती हूँ अपने साथ। तो ये रहा मेरा आज का लुक, कैसी लग रही हूँ मैं बताना। और बस मैं निकल रही हूँ अभी ऑफिस के लिए, शूज पाँव में अभी शूज पहनने हैं और बस जाना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपका सपोर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।